देखिए, लोहार जाति है और लोहारा कोई जाति नहीं है। लोहार का 1950 से स्वीकृत टाइप का आरक्षण है, जिसमें अंग्रेजी में ए लो एच ए आर ए लिखा हुआ है, लेकिन इसको लोहारा पढ़ के सरकार ने लोहारों को एसटी आरक्षण से वंचित कर दिया है। हम लोग बहुत दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और बिहार सरकार को मालूम है, केंद्र सरकार को मालूम है, और ये हमारा जो स्पेलिंग सुधार का मामला है, लो एच आर ए का हिंदी सुधारने का मामला है, ये सरकार के द्वारा सुधार नहीं किया जा रहा है। 2014 में कांग्रेस को बदलने में हम लोगों ने जबरदस्त वोटिंग किया भाजपा को लाने में, लेकिन आज भाजपा की सरकार हमारे अधिकार को छीन कर हमारे बाल बच्चों को भूखे मारने पर तुली हुई है। वही 2005 में नीतीश कुमार को सत्ता में लाने के लिए हमारा समाज बढ़ चढ़ के वोट दिया, लेकिन नीतीश कुमार क्लियर नहीं कर रहे हैं कि असली में लोहार जाति है ये लोहारा। इस मामले से हम लोग उब कर 2 अगस्त को सचिवालय स्टेशन पर हावड़ा और दिल्ली रूट के पूर्णतः जाम करेंगे और सरकार से पूछेंगे कि लोहारा कौन जाति है, ले आकर खड़ा करो। एक नेता ने कहा कि देश प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। आंदोलन करने का क्या मुख्य उद्देश्य? आंदोलन करने का मुख्य मकसद है एल ओ एच ए आर ए का हिंदी सुधार कर लोहार करना, और 1/23/2016 में लोहार लिखा भारत का राजपत्र जारी करना। इन मुद्दों को लेकर हम लोग रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं। अपना परिचय? मेरा नाम राजकिशोर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहार विकास मंच। ये बिहार के लोहारों को न्याय दिलाने के लिए आज ये बैठक आहूत की गई है। हमारे प्रदेश से नेता लोहार विकास मंच के श्री राजकिशोर शर्मा जी आए हुए हैं और बड़े दुख के साथ ये कह रहे हैं हम कि आज आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत उत्सव हम लोग मना रहे हैं और ये भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार के लोहार ने उनको बनाने के लिए हम लोग पूरे बिहार के लोहारों ने वोट दिया, आज उसके 75 वर्ष अमृत उत्सव मनाने के बावजूद भी बिहार के संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। ये दुख है, बिहार के लोहार के बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है, हमारे साथ असंवैधानिक कार्य हो रहा है। आप देखेंगे कि जो 1950 का गजट, 1956 का गजट, 1976 में जो एल ओ एच ए आर ए का प्रोनाउंसिएशन हिंदी पाठ जो लोहार है, वो सन 2006 में कांग्रेस की सरकार ने लोहार को लोहरा कर दिया, हिंदी के लोहार को लोहरा कर दिया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी ने 2016 में द रिपलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट लाकर 292 कानून में रद्द कर दिया और हम लोगों के साथ न्याय किया। लेकिन दुख की बात यह है कि आप देख सकते हैं ये पोस्टर पे जनजातीय मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम निकालकर लोहार का जो गजट होना चाहिए भारत के राजपत्र में प्रेसिडेंशियल गजट को आज तक जारी नहीं किया, जिससे हमारे बिहार के 40 लाख लोहार प्रभावित हैं। और इसी के लिए हम लोग अपना संवैधानिक न्याय मांगने के लिए जिले जिले में राजकिशोर शर्मा जी घूम रहे हैं और 2 अगस्त प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन 2 अगस्त 2023 को सचिवालय स्टेशन पटना में हम लोग रेल को रोकेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी से अपना न्याय मांगेंगे और अर्जुन मुंडा जी को हम लोग ये बात बताएंगे कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए, हम आपके विकास में योगदान दिए हैं। लोहारों ने आदिकाल से समाज निर्माण में, इस सभ्यता निर्माण में योगदान दिया, भारत की आजादी में इसने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। आज भारत आजाद होने के बावजूद हमारे साथ ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं, बिहार के लोहार पूछ रहे हैं। आप 2024 का चुनाव है, आप उसके पहले इस समस्या को हल कर दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, बिहार के 40 लाख लोग लोहार आपके साथ हैं। धन्यवाद।